मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को पुलिस महकमे की समीक्षा बैठक ली और पुलिस मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रदेश में अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था पर मंत्रणा की गई। बैठक के दौरान खुद मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे की छवि को सुधारने की नसीहत देते हुए जनता का विश्वास जीतने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्थान पुलिस के कामकाज पर संतोष जाहिर कर सुधार करने के निर्देश जारी किए, तो वहीं सीएम ने पुलिस अधिकारियों की मिल रही शिकायतों पर खुद के स्तर पर कार्रवाई करने की मंशा भी यहां पर जाहिर की है। अच्छी मीटिंग हुई, सबके विचार सुने, सबको मालूम है कि हम चाहते हैं राजस्थान पुलिस पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में, इसीलिए हमने FIR को भी फ्री कर दिया है रजिस्टर करने के लिए। आमतौर पर शिकायत रहती पूरे मुल्क के अंदर थानों में FIR दर्ज नहीं होती, हमने कर दिया कि कोई भी व्यक्ति परिवार लेके आएगा तो परिवार उसका रजिस्टर्ड होगा, FIR रजिस्टर्ड होगी, परिवार के रूप में रहेगा अगर किसी का फरियादी का, क्योंकि जांच होगी, FIR में कन्वर्ट होगी और जो थाने में शिकायत आती है उस केस के अंदर SP स्तर पर SP ऑफिस के अंदर रजिस्टर होगी। वो बड़ा फैसला था, हम चाहते हैं हर थाने के अंदर जो है कोई व्यक्ति जाए फरियादी बनकर जाए तो उसको मान सम्मान मिले, वहाँ पर पुलिस के साथ में अच्छा व्यवहार हो, पब्लिक का CLG ग्रुप बने हुए हैं उनको और मजबूत करना चाहते हैं, CCTV कैमरा लगना चाहते हैं थानों के अंदर, और तो और बॉडी वॉर्न कैमरा भी हर कांस्टेबल के पास में हों, वो अगर बातचीत भी करें तो उसका व्यवहार, उसका बोलने की भाषा वो ऐसी शालीन हो कि पब्लिक को लगे कि पुलिस हमारे साथ फ्रेंडली व्यवहार कर रही है। पुलिस वेलफेयर के लिए काफ़ी नवाचार तो देखिए हो गए। मैं पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कुछ इन नवाचारों के हमारे सराहा उनकी सराहना की, लेकिन पुलिस वेलफेयर की अगर मैं बात करूं तो इस कार्यकाल में जो अब तक का मेरा छोटा सा कार्यकाल रहा बहुत सारे काम किए, उनके स्वास्थ्य पे काम किया हमने, उनके जो वार्षिक या त्रैवार्षिक हमारे मेडिकल होता है किसका चीज़ का वार्षिक होना चाहिए, किन लोगों का वार्षिक होना चाहिए, जैसे कि ट्रैफिक वालों को ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुलिस कर्मियों में ज़्यादा पाई जाती हैं जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर, उनका वार्षिक होना चाहिए। इसके अलावा मानसिक उनके स्वास्थ्य के लिए हमने कार्यक्रम शुरू किया, उनके क्योंकि वो समय का अभाव रहता है उनके पास, महिलाओं बच्चों के लिए वक्त निकाल नहीं पाते अपने परिवार की, तो हमने उनको इसी तरह से अपने जो उनके सीमित संसाधन हैं उनको कैसे निवेश करें कि वो समय के साथ अपने आप बढ़ें और जब वो रिटायर हों तो एक शान से अपने इज्जत के साथ सिर ऊंचा करके जीवन यापन।